देख रहे हैं कार्यक्रम भाग्य चक्र और मैं हूं नीतू। साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सतीश जोशी जी। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत हो चली है तो ये भी बताना जरूरी है कि आज के कार्यक्रम में आपके लिए क्या कुछ खास है। सबसे पहले होगा आज का पंचांग, उसके बाद आपके सवालों के जवाब भी देंगे आचार्य जी। बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज 16 नवंबर दिन शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो साये 7:15 तक रहेगी। आज आद्रा नक्षत्र है, रात्रि 11:16 तक। आज किसी प्रकार का गंडमूल, पंचक इत्यादि कोई भी दोष नहीं है। आज इन बच्चों का जन्म होगा, उन बच्चों के जन्म का पहला अक्षर आप रख सकते हैं कू के या को पर रख सकते हैं। आज साध्य योग है, पूरा दिन चलेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य भगवान आज अपनी राशि को परिवर्तन कर रहे हैं, तुला राशि से वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। आज मार्गशीर्ष संक्रांति भी है। आज का राहु काल रहेगा प्रातः 9:10 से लेकर 10:40 तक। और आज का दिशासूल शनिवार को पूर्व दिशा में दिशासूल होता है। अति आवश्यकता में आप पूर्व दिशा की यात्रा करें। यात्रा प्रारंभ करने से पहले इष्ट देव को नमस्कार करें, मिष्ठान ग्रहण करें, ताकि आपकी यात्रा मंगलमय रहे और जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिले। आज का शुभ समय रहेगा दोपहर 12:05 से लेकर 12:55 तक। उसके बाद शुभ मुहूर्त रहेगा 1:00 से लेकर 2:30 तक। ये समय आज का सबसे उत्तम समय है, इसमें आप निसंकोच किसी भी कार्य को आरंभ कर सकते हैं। जी, तो अभी आपने आचार्य जी से जाना आज का पंचांग और उम्मीद करते हैं आप सभी का दिन आज का बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, समय उठ चला है राशिफल लेने का, तो लेंगे आज का राशिफल। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कैरियर के साथ निजी जिंदगी में अहम बदलाव होंगे, कार्य क्षेत्र पर विरोधियों को मात देंगे, कारोबार में अतिरिक्त लाभ होगा, मन चाहे काम पूरे होंगे, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानी भरा रहेगा, किसी करीबी से धोखा मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में सहकर्मी से भी विवाद हो सकता है, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, सेहत का ध्यान रखें। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, कारोबार में विस्तार की योजना बन सकती है, पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, लंबे समय से अटके कार्यों में गति मिलेगी, कारोबार में लाभकारी सौदे होंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से शुभ रहेगा, व्यवसाय में धन लाभ होगा, आमदनी के नए जरिए विकसित होंगे, पारिवारिक जीवन में परेशानियां उठानी पड़ेगी। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम वाला होगा, किसी करीबी से विवाद हो सकता है, आमदनी में बढ़ोतरी होगी परंतु पारिवारिक जीवन में कष्ट रहेगा। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, करियर को लेकर आप चिंतित रहेंगे, वशिष्ठ जनों से सलाह जरूर लेनी चाहिए, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, घर परिवार में लोगों के साथ समय बिताएंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन विवाद भरा रहेगा, कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ या सहकर्मी के साथ बहस हो सकती है, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, नए निवेश की ओर कदम नहीं बढ़ाने चाहिए, कार्य में व्यस्तता के कारण मानसिक तनाव भी संभव है। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कैरियर में तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, कारोबार में गति मिलेगी, कानूनी मामलों में आज आपको सफलता मिलेगी, सेहत में भी सुधार रहेगा। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन परेशानी भरा रहेगा, आर्थिक स्थिति डगमगाती रहेगी, कारोबार में नुकसान संभव है, पारिवारिक जीवन में भी वाद विवाद हो सकता है। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, पूरे दिन आप आत्मविश्वास से लवलेज रहेंगे, खर्च में बढ़ोतरी होगी, विरोधियों को आप आज मात देंगे, पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा।
मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, परिवार में समय बिताएंगे, करीबियों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। जी, तो ये तो आज का राशिफल था। आचार्य जी, बारी है आज के सवाल लेने की। हमारा घर जो कि एक ऐसी जगह होती है, हम सुकून के पल बिताते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जो लोग रहते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनका मन घर में नहीं लगता। आखिर उसके पीछे क्या कुछ वजह होती है? अगर नकारात्मक ऊर्जा है घर में तो उसको कैसे दूर करें? बिल्कुल, बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि बच्चे और युवा घर से बाहर खुश रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, पूरा आनंद लेते हैं, परंतु घर में आते ही निराशा होने लग जाती है, नींद की प्रॉब्लम आती है, आपसी विचारों में मतभेद हो जाते हैं। यानी जो बच्चे युवा है उनका मन घर में नहीं लगता, उनकी कोशिश होती है कि घर जेल के समान लगता है, उससे भागने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा घर में नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा पैदा होने के मुख्य कारण, अगर घर में वास्तु दोष है तो निश्चित रूप से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव युवा और बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि परिपक्व आदमी पे कम पड़ता है, और जो युवा और बच्चे हैं उनकी बुद्धि और जो उनका शरीर है वो थोड़ा कमज़ोर होता है या विकसित हो रहा होता है। इसके कारण जब भी आपको ऐसा लगे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन है, युवा के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, वो ज़्यादातर समय घर से बाहर रहने की कोशिश करते हैं, यानी घर में उनका मन नहीं लगता, इसका मतलब कोई ना कोई आपने घर में तोड़फोड़ कराई है, रेनोवेशन कराई है, तो गलती से वास्तु दोष घर में आ चुका है। जी, वास्तु दोष को कैसे ठीक किया जाए इस पर भी चर्चा करेंगे आचार्य जी। अभी वीरेंद्र कुरुक्षेत्र से हमारे कार्यक्रम के पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, मैं अपने मेरा जन्म है 15 फरवरी 1957। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, 15 फरवरी 1957। बिल्कुल, बोलिए। हाँ जी, कैसा रहेगा आगे जीवन? जी, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। अपने आगे पूछना चाहता हूँ, आगे कैसे रहेगा? बिल्कुल, देखिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आपकी जो दशाएं हैं थोड़ा सा कंफ्यूज वाली दशाएं हैं, थोड़ा भविष्य को लेकर अनिश्चितता रहेगी। यानी जब भी केतु राहु की युति चंद्रमा पे होती है या लाभ स्थान में होती है, कार्य क्षेत्र में होती है, तो इंसान हमेशा विचलित रहता है, भविष्य को लेकर थोड़ा सा संशय रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। परंतु अगर आपकी योजनाएं बढ़िया होगी, आपको योजनाएं बढ़िया बनानी चाहिए, भविष्य को लेकर चिंतित होना अच्छी बात है, परंतु चिंतित केवल चिंतित रहना ही ठीक नहीं है। उसको जो चिंताएं हैं, जो आपको समस्याएं नज़र आ रही है, उसको ठीक कीजिए, योजनाएं अच्छी बनाइए। भविष्य कुल मिलाकर थोड़ा सा आपको चिंतित रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी राहु जन्म कुंडली में खराब होता है, आने समय में राहु थोड़ा सा खराब है, इसलिए आपका मन विचलित करेगा। परंतु आप धैर्य रखिए, आप छोटे छोटे उपाय जरूर कीजिए जिससे राहु का प्रभाव काफ़ी कम हो जाए और आप ज़्यादा विचलित ना हो। केसर का तिलक लगाइए, अगर हो सके तो गाय की सेवा जरूर कीजिए, इससे क्या है शुक्र ठीक होगा, शुक्र ठीक होने से राहु ठीक हो जाता है, इससे आपका भविष्य ठीक रहेगा। जी आचार्य जी, जैसा कि आप चर्चा कर रही थी कि अगर घर में वास्तु दोष है तो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, आखिर ये वास्तु दोष क्या होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, जब भी हम घर के अंदर वास्तु के हिसाब से कोई चीज़ नहीं बनाते, उसका सीधा सीधा प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, युवाओं पे पड़ता है। उसके कारण बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी होती है, बाहर बच्चा बहुत अच्छा हंसता है, खेलता है, कूदता है, और परंतु घर में आते ही वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, नींद नहीं आती उसको और घर से भागने की कोशिश। इसका मुख्य कारण है आपके ईशान कोण में, यानी नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं बाथरूम है, उसका प्रभाव, वो बच्चा यूज करता है, उसका प्रभाव उस पर निश्चित रूप से पड़ रहा है, जिसके कारण उसका इस घर में दिल नहीं लग रहा। या हो सकता है आपने साउथ दीवार पे बंद घड़ियां लगा रखी हो, या लिविंग पर्सन की फ़ोटो साउथ दीवार पे नहीं लगानी चाहिए, जिससे मुख्य कारण है कि बच्चों में टेंशन रहती है, स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो आप लोगों को आज मैं बताता हूँ,
जिससे बच्चों के मन प्रफुल्लित हो, बच्चे का मन लगे। सबसे जरूरी है जो बच्चों को कभी भी घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। छत के ऊपर बिल्कुल साफ सफाई रखनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है छत पे लोग कबाड़ फेंक देते हैं, जहाँ रहने की जगह नीचे वहाँ तो साफ सुथरा रखते हैं, परंतु जो घर का सारा कूड़ा कबाड़ है, यानी जो लकड़ी बची हुई लकड़ी है, गीली लकड़ी है, लोहे का है, जंग लगा हुआ लोहा इत्यादि है, वो सब छत पे रख देते हैं। छत है राहु, अर्थात ऐसा अगर करते हैं तो वास्तु दोष होता है और घर में रहने वाले लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, आपसी विचारिक मतभेद होता है, मिनट मिनट में लड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि नहीं आती, लक्ष्मी का वास नहीं होता। क्योंकि जब घर में चार पांच लोग होते हैं, अगर उनके विचार ना मिले, शकुन की ज़िंदगी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर में छत जो है बहुत साफ होनी चाहिए। जो भी कबाड़ है उसको या तो बेच दीजिए या उसको फेंक दीजिए। और नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बिल्कुल ना हो। अगर किसी कारण बन चुका है तो उसका उपाय आप ज़रूर करें। सबसे ज़्यादा जरूरी उपाय है हरे रंग का वहाँ पे प्रयोग करें। हरे रंग की सीट होनी चाहिए, हरे रंग का वाश बेसन होना चाहिए और कोशिश कीजिए पूरा बाथरूम पे हरे रंग की आप टाइल लगाएं। दूसरा उपाय इसी का है, आप सेंधा नमक सुना होगा आपने, वो नमक आप अपने बाथरूम में रखिए, रोज़ सफाई कीजिए। कोशिश कीजिए कम से कम उस बाथरूम को यूज करें, क्योंकि जो ज़्यादा यूज़ करेगा उस पर दिमाग में सीधा सीधा उसका असर आएगा। क्योंकि ये जो दिशा है नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत ही पवित्र दिशा है, इसमें मंदिर बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं, परंतु बाथरूम बिल्कुल नहीं बना सकते। अगर नकारात्मक ऊर्जा घर में आ चुकी है, अगर आप तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते, किसी तरह से पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो सिंपल सिंपल आप उपाय कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी उपाय है आप शनिवार को फिटकड़ी के पोचे जरूर लगाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा, जिसका कहते हैं नज़र लगी किया कराया हो गया, ये सब चीज़ें इस छोटे से उपाय से ठीक हो जाएगी। शनिवार को पूरे घर में फिटकड़ी के पानी से पोचे लगाएं, जिससे क्या है नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिटकड़ी एंटीबायोटिक भी है और शनि की चीज़ है, राहु की चीज़ है, इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा जो भी आपके घर में नज़र लगी हुई है वो सब प्रकार की नज़र दूर हो जाएगी। और कोशिश कीजिए घर में धूप अगरबत्ती जरूर करें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आए, बच्चों के अंदर आए, युवा के अंदर आए और घर का माहौल खुश रहे। जी आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि घर का प्रवेश द्वार किस दिशा में होना चाहिए? अगर प्रवेश द्वार एक उचित दिशा में होना चाहिए और इस दिशा में नहीं है, तो बिना तोड़फोड़ किए किस तरह से इसका लाभ उठाया जा सकता है सकारात्मक ऊर्जा? बिल्कुल, देखिए वास्तु में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है घर का प्रवेश द्वार या रसोई। अगर आपका घर का प्रवेश द्वार जो है टूटा फूटा होगा, उसके दो दरवाजे हैं, वो बाहर की तरफ नहीं खुलने चाहिए, अंदर की तरफ, क्योंकि हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बाहर से आती है। अगर उस दरवाजे बाहर की तरफ खुलेंगे तो एनर्जी पॉजिटिव घर में नहीं आएगी, बाहर की बाहर चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर में मुख्य द्वार पे दरवाज़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, वो आवाज़ बिल्कुल ना करे, घर के अंदर वो खुलना चाहिए। और कोशिश कीजिए आम के पत्तों की बंधनवार घर के मेन दरवाजे पे जरूर लगाएं, ये सकारात्मक ऊर्जा है। क्योंकि आम को खुशी का प्रतीक माना गया है, मिठास का प्रतीक माना गया है। अगर आपके मुख्य द्वार पे, अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई पूजा पाठ हवन घर में होता है तो आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाया जाता है, या दिवाली पे इत्यादि पे, ताकि हमारे घर में खुशियाँ आए, हमारे घर में मिठास हो। जो भी घर में रह रहे हैं वो हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करें, गुस्सा ना आए। तो मुख्य द्वार पर आम का बंधनवार जरूर लगाएं। अगर आजकल शहरों में जो मुख्य द्वार को परिवर्तन नहीं कर सकते, जहाँ पे सरकार आउट करे वहीं बनाना पड़ता है, परंतु उसके उपाय आप जरूर कर सकते हैं। मुख्य द्वार पे कांटेदार पौधे बिल्कुल ना लगाएं। जो मेन गेट है उस पे भी आप किसी प्रकार के लोहे के ऐसे सूल ना लगाएं जिससे चुभन हो, यानी सीधा गेट होना चाहिए अंदर की तरफ। और कोशिश कीजिए अगर आपका गेट नॉर्थ ईस्ट में है तो वाइट रंग या हरे रंग का दरवाज़ा होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। काले रंग से अक्सर नॉर्थ ईस्ट में जिनका घर है उनको परहेज करना चाहिए। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि किस तरह घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। फिलहाल कार्यक्रम में बस इतना ही है।